जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। बसंत पंचमी और सूर्य सिद्धि पूजा अवसर में आप सबको मेरे और मेरे प्रभु की तरफ से ढेर सारी हार्दिक अभिनंदन। आज महाप्रभु जगन्नाथ जी का विशेष नीति और विशेष परंपरा अनुष्ठित होता है, क्योंकि महाप्रभु आज एक स्वतंत्र भेष में भक्त को दर्शन देंगे, जो उसका नाम चाचरी भेष है। और आज ही से महाप्रभु जगन्नाथ जी का जो विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा का जो नियम रखा जाएगा, अर्थात आज से जो रथ यात्रा का जो पूजा अर्चना किया जाएगा, और आज से ही महाप्रभु जगन्नाथ जी होली खेलेंगे। और परंपरा मुताबिक आज महाप्रभु जगन्नाथ जी दोल गोविंद भेष में होली खेलेंगे। आज शिकार में महाप्रभु जी शिकार में भी निकलेंगे, और ढेर सारी रिचुअल्स है सरस्वती पूजा के। सरस्वती पूजा में माँ के पास शास्त्र और तालपत्री और जो मादना पांजी है जगन्नाथ जी का, वो भी पूजा किया जाएगा। उस सब विषय में मेरा स्वतंत्र उपस्थापना सरस्वती पूजा का, बसंत पंचमी का, आइए जानते हैं। उससे पहले मैं नरसिंह महापात्र आपका स्वागत करता हूँ हमारे चैनल पर। बसंत पंचमी माघ महीना शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि को बसंत पंचमी अर्थात सरस्वती पूजा में नामित किया गया है। और माँ जगजननी दयामयी माँ सरस्वती माँ का यहाँ बड़ी धूमधाम से हिंदू शास्त्र के अनुसार पूजा किया जाता है, सनातन के अनुसार पूजा किया जाता है। आज महाप्रभु जगन्नाथ जी का मंदिर के अंदर स्वतंत्र नीति स्वतंत्र विधि विधान अनुष्ठित होता है, क्योंकि महाप्रभु आज से जो सरस्वती पूजा बसंत पंचमी से, आप सुने हो महाप्रभु जी का ठंड लगता है, और महाप्रभु शीत जो ठंडी का वस्त्र परिधान किए थे, इस वो क्या क्या रिचुअल से मैं एक वीडियो आपको दे चुका हूँ। वो आज से महाप्रभु जगन्नाथ जी का जो वो जो शीत का वस्त्र है, ठंडी का वस्त्र, वो महाप्रभु जी परिधान नहीं करेंगे, मगर गर्म का सीजन का जो बसंत का आगमन का सूचना मिल चुका है, क्योंकि बसंत पंचमी में भी हल्का हल्का गर्मी पड़ता है। और महाप्रभु जगन्नाथ जी का आज स्वतंत्र भेष है। मध्यान्ह धूप खत्म हो जाने के बाद श्री जगन्नाथ जी का जो सर्वांग होता है, और लक्ष्मी जी और सरस्वती माता दक्षिण गौर को विजय करते हैं, और जगन्नाथ जी का एक स्वतंत्र भेष चाचरी भेष उसको बोला जाता है। महाप्रभु जी आज वो चाचरी भेष धारण करेंगे भक्त को दर्शन देने के लिए। ये भेष बहुत दुर्लभ है, बहुत अद्भुत है, और आप देखेंगे तो महाप्रभु जी का ये दिव्य भेष को कब आओगे तो आप देख पाओगे। इस भेष महाप्रभु जगन्नाथ जी आज परिधान करेंगे, और लक्ष्मी जी और सरस्वती माँ दक्षिण घर एक मंदिर है वो विराजमान करेंगे। महाप्रभु जगन्नाथ जी का यहाँ पर चाचर भेष जब खत्म होगा तो लक्ष्मी जी और सरस्वती माता और दोल गोविंद जी, जो जगन्नाथ जी का प्रतिरूप है, जो जगन्नाथ जी का सेवा और जगन्नाथ जी का जो भी जितना भी रिचुअल्स है महाप्रभु उनको माध्यम में ही करते हैं, वो दक्षिण घर में चाचर भेष होंगे, और महाप्रभु जगन्नाथ जी के पास में आएंगे, और महाप्रभु जगन्नाथ जी का आज्ञा लेके वो यात्रा करने के लिए निकलेंगे। यात्रा से पहले आज से महाप्रभु जगन्नाथ जी का होली का जो रिचुअल्स है, होली का जो परंपरा है रंग का, आज रंग का जो परंपरा है वो रंग महाप्रभु जी आज खेलेंगे, और उसके बाद में श्री जगन्नाथ जी जो जगन्नाथ जी के बल्लभ में विजय करेंगे, और जगन्नाथ जी के बल्लभ में वो ढेर सारी रिचुअल्स है, और शिकार करने के लिए निकलेंगे जगन्नाथ जी के बल्लभ में, उसको बेंटो शिकार शिकार बोला जाता है। ये एक नारकिल रखा जाता है, नारकिल में तीर धनुष जो होता है ना, वो उनको तीर को मारते हैं नारकिल के ऊपर, वो शिकार करने के लिए श्री जगन्नाथ जी आज जगन्नाथ जी के बल्लभ में विजय करेंगे। सबसे पहले जो तीर और धनुष महाप्रभु दोल गोविंद को अर्पण होगा, और स्पर्श करके और वो नारकिल को मारेंगे, पांच नारकिल को मारेंगे, और एक अस्त्र जो तीर है महाप्रभु जी को समर्पण होगा, वो फिर जगन्नाथ जी के मंदिर में इतना जो रिचुअल्स है वो जगन्नाथ जी के मंदिर में लौट आएंगे। उसके बाद श्री जगन्नाथ जी के मंदिर के पीछे जो पश्चिम भाग है वहीं पर भुवनेश्वर मंदिर है पश्चिम दिशा में, और वो पूर्व के और मुख करके महाप्रभु जी माँ जगज्जननी सरस्वती माँ दर्शन दिए भक्त को देते हैं, और वो भुवनेश्वर मंदिर के अंदर में है। माँ अत्यंत अति अद्भुत मूर्ति, भव्य मूर्ति वहाँ पर विराजमान है। माँ बीना को पकड़ के दो हाथ में भक्तों को दर्शन देते हैं, और वहीं पर आज विशेष नीति विशेष परंपरा सरस्वती पूजा में अनुष्ठित होता है। माँ का पूजा विधि बहुत अच्छी पवित्र भाव से वो किया जाता है, और सबसे बड़ी बात है आज माँ के पास माँ ज्ञान दात्री है और सर्व ज्ञान का आधार है, वो उनके पास में आज जो मंदिर का जो जितना भी जो किंवदंती है, जो शास्त्र है तालपत्री में पोथी में और मादना पांजी, माँ के पास रखा जाता है एक भद्रासन के ऊपर, और पूजा विधि बड़ी धूमधाम से किया जाता है, और पंचभुजा उपचार में शीतल भोग होता है। उसके बाद में
ये सब रिचुअल्स खत्म हो जाने के बाद आज सबसे बड़ी बात है जगन्नाथ जी के मंदिर। अब कब कभी ना कभी लाइफ में आए हो, ये जगन्नाथ जी अभी सारा भारतवर्ष में विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा से जगन्नाथ जी के धाम पर अनुष्ठित होता है, आपको ही पता है। वो जो रथ यात्रा जो होता है आषाढ़ महीना में, उसका जो रथ हर साल तैयारी होता है, हर साल तोड़ता है और नया रथ बना के महाप्रभु जगन्नाथ जी को रथ यात्रा के लिए महाप्रभु जी रथ के ऊपर विराजमान रहते हैं, हर साल नया रथ होता है। और आज उस रथ यात्रा का जो नींब रखा जाता है, मगर आज से महाप्रभु जगन्नाथ जी का जो रथ यात्रा जो लकड़ी है, लकड़ी को पूजा अर्चना किया जाता है और अक्षय तृतीया में वो आरंभ होगा रथ का कार्य। ये सबसे बड़ी बात है जगन्नाथ जी का। आज इतना ढेर सारे रिचुअल, ढेर सारी परंपरा, ढेर सारी विधि विधान आज सरस्वती पूजा में रखा जाता है, क्योंकि सरस्वती पूजा एक पवित्र दिन हिंदू शास्त्र और सनातन धर्म में वर्णित है और माना जाता है। और आज महाप्रभु एक स्वतंत्र भेष, जो चाचरी भेष है, वो आज स्वतंत्र भेष महाप्रभु दर्शन देंगे। और भूलिए मत, महाप्रभु जगन्नाथ जी का दोल गोविंद का रूप होके आज होली खेलेंगे, मतलब आज से दशमी फगु दशमी तक महाप्रभु जी होली खेलेंगे थोड़ा थोड़ा। और फगु दशमी जो होते हैं, जो होली का जो होली दहन करके महाप्रभु जी होली खेलेंगे, वो सबसे बड़ी रिचुअल से वो आगे और कुछ दिन पर होगा। मैं ज़रूर उसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा महाप्रभु के आपके लिए, महाप्रभु जी का नीति परंपरा विधा विधि विधान को आपको अवगत कराने के लिए। तब के लिए रहता हूँ, जय जगन्नाथ।